हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर। कल हमने आपको दिखाया था लेंसगो कंपनी का वायरलेस माइक। आज उसी कंपनी का हम वायर्ड माइक लेके आए हैं। इसका मॉडल नंबर है LYM DM1। ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। बेसिकली इसका ओरिजिन चाइनीज़ है। और ये जैसे आप नॉर्मली आपका कंपैरिजन इसका हम दिखाएंगे आपको बोया PYM1 से। भी नाम भी दोनों का सिमिलर है, प्राइस भी सिमिलर है, लेकिन बोया अब जैसे कुछ बंदों को बोया की क्वालिटी पसंद नहीं आती, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी उससे बेटर है और साउंड क्वालिटी बेटर है तो फिर हम उस बोया की जगह इसको भी रख सकते हैं उसी काम के लिए, इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए, वीलॉग वगैरह के लिए। ये वायर्ड माइक ही है, तो देखते हैं क्या क्या इसके अंदर आता है। सबसे पहले जो नज़र जा रही है इसके पाउच पे, पाउच की क्वालिटी इसकी अच्छी है। बोया में लेदर सा पाउच आता है, थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का इसका इन्होंने पाउच अच्छा दिया है। ये आ गया माइक। माइक का जो सेंटर कंसोल है वो मेटल का है सारा। इस पर एक क्लिप दिया गया है इसको लगाने के लिए। ये प्लास्टिक का है, रेड कलर की थीम है इनका, रेड है सब कुछ, रेड बटन्स वगैरह। और जो जैक है इसका गोल्ड प्लेटेड जैक है जो कंपनी के अकॉर्डिंग, तो इससे साउंड अच्छी आनी चाहिए। केबल आपकी 6 मीटर लेंथ है और केबल की क्वालिटी डिसेंट लग रही है, थिक केबल लग रही है। और यहाँ से जहाँ से नॉर्मली प्रॉब्लम आती है कि यहाँ से खींच जाती है केबल, तो इन्होंने इस चीज़ को कवर रखा है थोड़ा प्लास्टिक से कि ताकि एकदम से बाय चांस गलती से आपकी खींच जाए केबल तो माइक ख़राब ना हो। साउंड क्वालिटी इसकी एंड में देखेंगे, पहले स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं ऑन पेपर्स क्या है। ये हर कॉलम माइक की तरह ओमनी डायरेक्शनल माइक है, तो अगर आप इसको कहीं रखोगे तो हर तरफ की आवाज़ उठाएगा और इसको क्लिप कर सकते हैं अपने कॉलर पर। अभी भी मैं एक कॉलर माइक यूज़ कर रहा हूँ तो ये भी वैसा ही माइक है। और अगर इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखें तो इसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो इन्होंने दे रखी है वो है 50 से लेकर 20,000 किलोहर्ट्स। सेंसिटिविटी है 34 डेसिबल्स प्लस माइनस 3 डेसिबल। सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो है 58 डेसिबल। आउटपुट इम्पिडेंस 2.2K ओम्स। पावर इसके अंदर वही वाला है LR44 का ऑप्शन है जो हर माइक में कॉमन होता है, सस्ता ही सेल आता है। तो ये हो गया माँ LYM DM1 माइक। अब इसको एक बार बोया से कंपेयर कर लेते हैं साइड बाय साइड रख के, फिर एंड में साउंड टेस्ट कर लेंगे। ये बोया है तो इसका पाउच की क्वालिटी आप देख सकते हो, उसका जैसे सिंथेटिक है, इसका थोड़ा सा रेक्सिन टाइप का पाउच है। अब देखते हैं जैक की क्वालिटी अगर कंपेयर करो तो इसका सिमिलर जैक है, थोड़ा सा इसका प्लास्टिक हल्का लग रहा है लेकिन वैसे ओवरऑल सिमिलर है। वायर की थिकनेस भी सिमिलर लग रही है, डिज़ाइन बस अलग है। इसका कैप्सूल बीच का थोड़ा इस टाइप का कैप्सूल है, इसका गोल कलर है और इसमें कवरिंग नहीं है, इसकी वायर ऐसे दिख रही है आपको। बाकी ऑलमोस्ट सेम ही डिज़ाइन है। कंडेंसर साइज़ भी देख लेते हैं क्योंकि इसमें हमने मफ लगाया हुआ है, विंड मफ निकाल के पता चला है कंडेंसर साइज़। कंडेंसर साइज़ भी सेम ही है ऑलमोस्ट, तो फिज़िकली आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही माइक्स लग रहे हैं दोनों। तो जो मेन चीज़ अब रहती है साउंड, एक्सेसरीज भी दोनों में सेम आती हैं, क्लिप्स वगैरह। तो अब मेन है साउंड जो डिसाइडिंग फैक्टर है, तो उससे आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा माइक यूज़ करें। तो अभी जो हम माइक यूज़ कर रहे हैं ये दोनों में से एक भी नहीं है, तो अब इस माइक को निकाल के हम पहले आपको लेंसगो का दिखा देंगे फिर बोया दिखा देंगे, जिससे आपको एक कंपैरेटिव मिल जाएगा। प्राइसिंग क्योंकि दोनों की सिमिलर है तो इसलिए आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आपको लेना है। इसकी प्राइसिंग 700 है और बोया की भी 700 है, तो सेम प्राइस में देखते हैं कौन सा बेटर निकलता है। तो पहले हम टेस्ट कर रहे हैं लेंसगो का LYM DM1 मिनी लेवेलियर माइक्रोफोन, और इसकी आप साउंड सुन सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस मैं इसकी पढ़ के सुनाता हूँ जिससे आपको साउंड का आइडिया लग जाएगा। बुलेट शेप, कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट लेवेलियर माइक्रोफोन, कंपैटिबल विद स्मार्टफोन्स, DSLR कैमराज, कैमकॉर्डर्स, PC एंड रिकॉर्डर्स, प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक विंड प्रूफ स्पॉन्ज, कॉलर क्लिप, केबल होल्डर एंड स्टोरेज बैग। तो ये हो गया लेंसगो का। अब इससे कंपेयर कर लेते हैं बोया वाले से। तो अब हम लाए हैं दूसरा माइक का टेस्टिंग, बोया BYM1 लेवेलियर माइक्रोफोन माइक्रो क्रेवेट, सुपर्ब साउंड फॉर प्रेजेंटेशन एंड वीडियो रिकॉर्डिंग। इसके भी सेम स्पेसिफिकेशन हैं, क्लिप ऑन माइक फॉर स्मार्टफोन्स, DSLR कैमकॉर्डर्स, ऑडियो रिकॉर्डर्स, PC
ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक, लो नॉइज़ LR44 बैटरी, विंडस्क्रीन, हाई क्वालिटी कंडेंसर, आइडियल फॉर वीडियो। तो इसका भी अब मैंने आपको साउंड दिखा दिया। अब दो क्योंकि दोनों का प्राइस पॉइंट सिमिलर है और बिल्ड क्वालिटी भी लगभग एक जैसी है, तो अब आप साउंड सुन के डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बाकी अगर आप ऑर्डर करना चाह सकते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर चैनल। बाय।